हेलो स्टूडेंट्स, कॉपर इज अ गुड कंडक्टर, वुड इज अ बैड कंडक्टर, सिलिकन एंड जर्मेनियम दे आर पार्शियली कंडक्टिंग, राइट? ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हमें हमेशा से कंफ्यूज करते हैं, और आज के इस लेक्चर में हम इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर ढूंढेंगे. यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स. बट बिफोर वी स्टार्ट सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि सॉलिड्स क्या हैं, राइट? अगर मैं सॉलिड्स में कंडक्टिविटी की बात कर रहा हूं, देखिए, चाहे मेटल्स हो, चाहे इंसुलेटर्स हो, चाहे सेमीकंडक्टर्स हो, मोर और लेस सभी का स्टेट सॉलिड ही है. तो हमारा पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर सॉलिड्स क्या हैं. पहले हम सॉलिड्स को जाने, फिर हम कंडक्टिविटी के बेसिस पर कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स को पढ़ेंगे. तो देखिए बच्चों, सॉलिड और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि दो तरीके के सॉलिड्स होते हैं. आपको आपके स्क्रीन पर दो डायग्राम्स दिख रहे हैं. पहले डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखो तो सॉलिड में जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ये किसी फिक्स्ड पैटर्न पे नहीं लगे हैं, ये हैपहैजर्ड मैनर में लगे हैं. और दूसरा डायग्राम अगर आप देखोगे तो यू कैन इजिली नोटिस कि हाँ भाई, एक प्रॉपर अरेंजमेंट है जिससे ये सारे एटम्स या मॉलिक्यूल्स प्लेस्ड हैं अपनी अपनी पोजीशन पे. तो इस डायग्राम के बेसिस पर वी कैन डेफिनेटली से दैट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ये वाले क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो सॉलिड्स हैं जहां पर द एटम्स, मॉलिक्यूल्स और द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दे आर अरेंज्ड इन अ सर्टेन स्पेसिफिक मैनर. देयर इज अ डेफिनेट फैशन इन विच दे आर अरेंज्ड. एग्जाम्पल, क्वार्ट्ज, माइका, सिलिका एटसेट्रा. सेकेंड, एमोर्फस और ग्लासी सॉलिड, यहां पर दे आर नॉट अरेंज्ड इन एनी डेफिनेट पैटर्न, राइट? तो अमोर्फस सॉलिड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, आई गेस आपको समझ में आ गया होगा. अब किसी भी सॉलिड का स्ट्रक्चर समझने से पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड टू टर्म्स. पहला होता है हमारा क्रिस्टल लैटिस, दूसरा होता है हमारा यूनिट सेल, राइट? तो व्हाट इज अ क्रिस्टल लैटिस, यू कैन क्लियरली सी इन द डायग्राम, राइट? क्रिस्टल लैटिस वो अरेंजमेंट है, वो रूल है जिसके अकॉर्डिंग बहुत सारे इंडिविजुअल एटम्स मिलके एक क्रिस्टल को बना रहे हैं. आपको बात समझ में आ रही है? इट इज नथिंग बट इट इज अ ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स. एंड व्हाट आर दीज पॉइंट्स? दीज पॉइंट्स आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, राइट? अगर आप केमिस्ट्री बेसिक जानते हो तो आपको मालूम है अलग अलग एटम्स मिलके, अलग अलग सॉलिड्स मिलके एक बड़ा क्रिस्टल बना रहे हैं, राइट? तो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस. अब बच्चों, इस क्रिस्टल लैटिस में आप अगर ये अरेंजमेंट देखो, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ यूनिट सेल. यूनिट सेल का मतलब यह हुआ वो सबसे छोटा पैटर्न जिसको अगर हम बार बार रिपीट करें तो हमें पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मिल जाए. यू आर गेटिंग माई पॉइंट? वो सबसे छोटा अरेंजमेंट जिसको जब हम बार बार रिपीट करें तो हमें पूरा क्रिस्टलाइन लैटिस मिल जाए, दैट इज कॉल्ड अ यूनिट सेल, राइट? अ यूनिट सेल इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स. जब मैंने बोला कि सबसे छोटा अरेंजमेंट, इसका मतलब सबसे छोटा अरेंजमेंट, उससे ज्यादा हम उसको ब्रेक नहीं कर सकते. Is that very very clear? तो we can definitely say कि किसी भी crystal का, किसी भी crystalline lattice का जो basic building block है, that is a unit cell. अब जो maths वाले बच्चे हैं, वो vectors में ये alpha, beta, gamma और ABC detail में पढ़ते हैं. जो bio वाले बच्चे हैं, उनको भी मैं basic idea दे देता हूँ. Origin से इन points की जो length है, three dimension में, वो ABC है. And alpha, beta, gamma are the angles between the axis, right? As a physics student, as an engineering student, आपको इतना जानना जरूरी है to deeply understand the concept. अब दूसरा important question आता है कि सर solid में ये unit cell कितने तरीके के structures बना सकते हैं? भाई, आपको यहाँ पर एक cubic structure दिख रहा है, एक cubic lattice दिख रहा है, तो क्या सर केवल cubic lattice ही बनेगा? राइट, क्या केवल क्यूबिक लैटिस ही बनेगा? क्या किसी और शेप का लैटिस नहीं बन सकता? बेसिक सॉलिड्स में सात क्रिस्टल सिस्टम्स हैं.
मैंने चार्ट आपको स्क्रीन पे बना दिया है, आप चार्ट देख सकते हो, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरॉम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। चार्ट में ए बी सी और अल्फा बीटा गामा इनके बीच का जो रिलेशन है वो भी लिखा है, तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी पड़ेंगी फॉर बेसिक एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्चुअली भी जब आप इंजीनियरिंग करोगे तो ये सारी चीजें आप डिराइव करोगे, बट फॉर अ बेसिक सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि ये सात बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन सात बेसिक स्ट्रक्चर्स के साथ तीन और स्ट्रक्चर्स हैं जिससे हमारा क्रिस्टल बनता है। पहला होता है बेटा सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, यूनिट सेल के सारे एजेस पे एक एक एटम है, आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर किसी भी यूनिट सेल के हर एज पे एक एक एटम, एक एक पार्टिकल प्लेस्ड है, ऐसे अरेंजमेंट को बच्चों हम सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बोलेंगे। अब इन सभी एजेस के साथ साथ अगर हर फेस पर भी एक एटम है, मतलब अगर मैं आपको टू डायमेंशनल व्यू दिखाऊं तो मान लेता हूं ये मेरा एक फेस है, ये मैं आपको टू डायमेंशन बता रहा हूं, ठीक, तो इसके एच पर तो है, एच पर होने के साथ साथ इसके फेस पर भी एक एटम है, तो ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग फेस सेंटर्ड क्यूबिक बोलेंगे। एंड द थर्ड वन इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, मतलब सारी एजेस पे है, सारे कॉर्नर्स पे, लाइक आई मीन व्हेन आई एम सेइंग एजेस आप समझ जाओ ये वाला कॉर्नर, तो सारे कॉर्नर पे तो है, सारे कॉर्नर के साथ साथ एक बिल्कुल मिडिल सेंटर पे भी है, राइट, जैसे ये आपका सिस्टम है तो एक सेंटर पे भी है, ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग बच्चों बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट बोलते हैं। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? तो ये बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं जिनसे हम सॉलिड को कैरेक्टराइज करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारे सॉलिड बनते कैसे हैं? हमारा लेक्चर बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, हम ये देखना चाहते हैं कि सॉलिड्स में बैंड्स कैसे बनते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा हमें केमिस्ट्री से रेफरेंस लेना पड़ेगा। देखिए, अगर मैं बेसिक किसी भी एटम के कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं और मैं आपसे बोलूं मेरे पास एक आइसोलेटेड एटम है, आइसोलेटेड एटम, ये कोई भी एटम हो सकता है, राइट, कोई भी एटम। अब आइसोलेटेड एटम में जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, अच्छा कैसे डिसाइड होंगे सर एनर्जी लेवल्स, मान लीजिए आपका एटॉमिक नंबर है 11, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, राइट, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये सब हमारे एनर्जी लेवल्स हैं। तो जब एक सोडियम एटम अकेला है तो मुझे ये सारे लेवल्स अलग अलग दिखाई देते हैं, आई कैन विजुअलाइज देम, आई कैन रिलेट देम इंडिविजुअली, बट मुझे ये बताओ क्या आपको अकेला सोडियम एटम कहीं दिखता है? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, हमें तो क्रिस्टल मिलते हैं, हमें तो सॉलिड फॉर्म में मिलता है। अब अगर हमें सॉलिड फॉर्म में मिलता है तो उसमें एक सोडियम तो होगा नहीं, उसमें तो बहुत सारे सोडियम्स होंगे। तो बच्चों जब हम आइसोलेटेड एटम कंसिडर करते हैं तब एनर्जी लेवल्स अलग तरीके से बिहेव करते हैं, हमें डिस्क्रीट इंडिविजुअल ऐसे एनर्जी लेवल्स जिनको हम अलग से देख सकते हैं, डिस्टिंक्टिवली उनको विजुअलाइज कर सकते हैं, ऐसे हमें दिखते हैं आइसोलेटेड एटम्स में। लेकिन क्रिस्टल्स में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अब जब दो सोडियम मिलेंगे तो उनके आउटर मोस्ट शेल के साथ साथ बाकी शेल के इलेक्ट्रॉन्स भी इंटरैक्ट करेंगे और यहीं से एनर्जी बैंड्स बनते हैं, और वही अब हम देखने वाले हैं। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको, दिस इज फिगर वन, फिगर वन में हमने एक कोई एटम लिया हुआ है जिसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब देखो बच्चों, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव या एक्टिव एटम है, इलेक्ट्रॉन है, वो आउटर मोस्ट का होता है। भाई हम लोग कहते हैं कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर दी बेवफा इलेक्ट्रॉन्स, ये किसी के भी पास जा सकते हैं और अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए किसी को भी बुला सकते हैं, क्योंकि जो अंदर वाले हैं वो तो स्टेबलाइज हैं। भाई 1s2, 2s2, 2p6, ये तो स्टेबलाइज था। भाई s में दो होते हैं थे, p में सिक्स होते हैं थे, s में दो होते हैं लेकिन यहां पे s में एक था, आप देख रहे हो, इसका मतलब ये बेवफा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन गड़बड़ कर सकता है। सोडियम के केस में ये बाहर चला जाएगा और सोडियम एटम को स्टेबलाइज करेगा, राइट, आयन बना के। लेकिन अगर आउटर मोस्ट शेल में छह इलेक्ट्रॉन्स हैं या सात इलेक्ट्रॉन्स हैं
जैसे हम क्लोरीन की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, तो ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे नहीं, ये तो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, राइट। तो अब यही हमें समझना है कि कैसे हो रहा है और एनर्जीज कैसे बन रही हैं। तो देखो बेटा, डायग्राम में मैंने केवल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दिखाया है, अंदर पूरा न्यूक्लियस स्टेबल है, अंदर कुछ भी हो सकता है, राइट, कुछ भी, मैंने बहुत जेनरिक केस बनाया है। अब ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, भाई अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसकी अपनी एनर्जी भी होगी, तो इस इलेक्ट्रॉन की सिंगल की एनर्जी है E1, ठीक। अब एक और एटम आ गया, जब एक और एटम आ गया बेटा, तो अब हम इस स्ट्रक्चर को ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं, देखो अब तो ये दोनों एक ही हो गया ना, अब तो ये इलेक्ट्रॉन अकेला नहीं रहा, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी अटैच्ड है और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी अटैच्ड है। इसका मतलब अब दो एनर्जी लेवल्स हो गए, E1 एंड E2। आपको ये मालूम है आइसोलेटेड एटम में बिल्कुल अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं, कोई ओवरलैपिंग नहीं होती। अभी मैंने आपको बताया, आप डिस्टिंक्टली हर एनर्जी लेवल को एनालाइज कर सकते हो। फिर एक और एटम आ गया, अब तीन एनर्जी लेवल्स हो गए, राइट। इस तरीके से मैंने पूरा एक लैटिस बना दिया, आप देख रहे हो बहुत सारे एटम्स आपस में मिल गए। तो अब आप खुद सोचो कितने सारे एनर्जी लेवल्स हो गए, और ये एनर्जी लेवल्स इतने पास पास होते हैं कि ये मुझे कंटिन्यूअस बैंड की तरह दिखाई देते हैं। ये देखिए नेक्स्ट फिगर, ये देखिए ऐसा मुझे दिखाई देता है। अब इसको देख के मैं ये नहीं कह सकता कि ये वाली एनर्जी कितनी है, ये वाली एनर्जी कितनी है, मुझे एक कंटिन्यूअस बैंड ही दिखाई देगा। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? यही होता है हमारा एनर्जी बैंड। अब डायग्राम में देखो, मैंने इस एक्सिस पर एनर्जी प्लॉट किया हुआ है, यहां इंटर एटॉमिक डिस्टेंस प्लॉट किया है। अब एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन आता है कि हम इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को क्यों कंसिडर कर रहे हैं। तो आपको मालूम है देयर इज अ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ऐसा नहीं है कि दो एटम बिल्कुल एक दूसरे के पास आ जाएंगे। आपको मालूम है ये बिल्कुल बेसिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ चुके हैं। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो इससे जस्ट पहले बोर्स मॉडल में आप देख चुके हो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, दो एटम एक दूसरे के पास एक फिक्स्ड दूरी तक ही आ सकते हैं, उससे ज्यादा पास नहीं आ सकते। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? तो ये जो आपको इक्विलिब्रियम वाली लाइन दिख रही है, ये वही लाइन है, इससे ज्यादा पास नहीं आ सकते। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? अब दूसरा इस ग्राफ को डीकोड करने की कोशिश करते हैं। देखिए पहले बिल्कुल सेपरेट एनर्जी लेवल दिख रहा है, सिंगल लाइन दिख रही है, जैसे जैसे ये डिस्टेंस ऐसे डिक्रीज कर रही है, भाई डिक्रीज करने का मतलब और एटम्स पास आ रहे हैं, तो जैसे जैसे और एटम्स पास आ रहे हैं आप क्या देख रहे हो, अब आपको कई सारे एनर्जी लेवल्स दिखने लग गए, और एटम पास आए, आप ये देख रहे हो ये सारे एनर्जी लेवल्स कितने कंटिन्यूअस हो गए। तो इस पॉइंट के बाद मुझे केवल एक इंडिविजुअल एनर्जी लेवल नहीं दिखाई देता, बल्कि मुझे एक बैंड दिखाई देता है, एंड दैट बैंड माय डियर स्टूडेंट्स इज कॉल्ड एनर्जी बैंड। इज दैट वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसको ही हम एनर्जी बैंड कहते हैं। अब इसको थोड़े और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, आपको सोडियम से ही समझाता हूं। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन था 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अब सबसे पहली चीज, हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि आउटर मोस्ट शेल कौन सी है। तो 3s ये आउटर मोस्ट शेल है, राइट, इतना बेसिक सबको पता है। अब बच्चों मैं बैंड्स बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ये 1s है मेरा, ये मेरा 2s है, ये 2p है, ये 3s है, ठीक। मैं इनको नाम दे देता हूं, 1s, 2s, 2p एंड 3s। अब जब एक से ज्यादा सोडियम एटम पास आने लगेंगे, जब एक सोडियम एटम पास था तब मुझे सिंगल डिस्टिंक्ट लाइंस दिखाई दे रही थी, एनर्जी लेवल्स दिखाई दे रहे थे। अच्छा, आपको यह भी मालूम है एनर्जी ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द ऑर्बिट इन विच इट इज रिजाइडिंग। कोई भी इलेक्ट्रॉन किस नंबर की ऑर्बिट पर है ये डिसाइड करता है कि उसके पास कितनी एनर्जी है। बोर्स मॉडल में आप पढ़ चुके हो 1/n² के प्रोपोर्शनल होती है, दैट इज एक्चुअली -13.6 या 1.36/n² व्हाटएवर, राइट।
तो ये केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हो, दिस इज En। अब एक और सोडियम एटम आया, तो ओवरलैपिंग कहां पे होगी आप सोच के बताओ, ओवरलैपिंग कहां पे होगी, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन रिएक्टिव होगा, राइट। तो मुझे आउटर मोस्ट शेल पे क्या दिखेगा भाई, एक सोडियम, फिर एक और, फिर एक और, फिर एक और, जब आता गया तो धीरे धीरे ये लाइन मुझे ऐसे दिखाई देने लगेगी बेटा, ऐसे ये। अब ये एक बैंड है, इसको कैसे विजुलाइज करें, मान लो बच्चे मैंने वन मोल ले लिया, राइट, तो आप मुझे बताओ 10^23 ऑर्डर की लेवल्स बन जाएंगे भाई, क्योंकि एक मोल में तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, तो अगर एक मोल मैंने सोडियम लिया है तो 10^23 सोडियम्स हैं वहां पर, तो सोचो इस तरीके की 10^23 लाइंस हैं, कितनी कम स्पेस में ये सारी लाइंस एग्जिस्ट कर रही होंगी, इतना कम स्पेस में कि आपको ये ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस दिखाई देगा, और हम इसको बोल देंगे बैंड, राइट। दूसरा क्वेश्चन जिसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, क्या सर 2p 2s और 1s में बैंड नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे बैंड, लेकिन ध्यान रखिएगा ये बात, आप जैसे टॉप से बॉटम जाओगे, ये जो बैंड्स का, ये मैं अभी आपको ओवरलैप दिखा रहा हूं, मैं भी समझाऊंगा कैसे ओवरलैप होते हैं, ये थिकनेस कम होती जाएगी, यहां का बैंड ऊपर वाले से पतला होगा, ये उससे कम होगा, ये सबसे कम होगा, रीजन भाई हम तो स्टेबल है, हमारे पास कोई बेवफा इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो हम तो रिएक्टिव है नहीं, राइट। आप इलेक्ट्रॉन भेजते जा रहे हो, हम कंबाइन करते जा रहे हैं उनको, सीधा सा फंडा, कोई भी इसमें डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं, इट्स वेरी 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 बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसको अगर मैं पिक्चर से रिप्रेजेंट करना चाहूं तो ये देखिए, मैंने आपको एनर्जी लेवल के पिक्चर समझाए, ये सिंगल एटम था 1s, दो इलेक्ट्रॉन है, अच्छा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम सेट ऑफ ऑल द फोर क्वांटम नंबर्स, इसका मतलब कोई भी दो इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी के नहीं हो सकते, एनर्जी अलग अलग होगी फॉर श्योर। तो ये सिंगल सोडियम एटम है, ऐसा अरेंजमेंट है, ये दो सोडियम एटम आ गए, अब आप देखो 1s दो में स्प्लिट हो गया भाई, एक जो दूसरा एटम आया उसका, एक जो पहला एटम आया उसका, लेकिन दोनों सेम एनर्जी के नहीं हो सकते क्योंकि दोनों का इंटरैक्शन अलग अलग है, दोनों का पोजीशन अलग अलग है, तो दोनों सेम एनर्जी के कभी भी नहीं हो सकते। तो बेटा जब हम एटम से मॉलिक्यूल बनाते हैं ना, तब एक चेंज होता है, चेंज ये होता है, अब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिट्स की बात करते हैं, अब हम एटॉमिक ऑर्बिट्स की बात नहीं करते, राइट। तो व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड। अच्छा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भी ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक जैसी नहीं हो सकती, तो जिनकी एनर्जी कम होती है उनको हम बोलते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, जिनकी हायर होती है उनको हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। आई एम श्योर आपने ये केमिस्ट्री में बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, राइट। तो दिस इज हाउ अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिट इज फॉर्म्ड, एंड इंस्टेड ऑफ सीइंग अ डिस्टिंक्ट एनर्जी लाइन, वी सी अ स्पेक्ट्रम ऑफ एनर्जी, अब हमें ऐसे दिखाई देता है, दिस इज हाउ इट लुक्स, राइट। आप देख रहे हो ये एक बैंड बन गया, कितने एनर्जी लेवल्स हुए इसमें, 2n, why 2n, क्योंकि s में दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और एक n लेवल में ब्रेक है, आप समझ रहे हो, s में दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और हर एनर्जी लेवल n में ब्रेक हो चुका है, तो टोटल लेवल्स कितने हो गए, 2n, इज दैट वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक। जो चीज मैंने अभी आपको समझाई बिल्कुल यही मैंने लिखी हुई है, अगर n नंबर ऑफ एटम्स हैं तो n डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होंगे हर बैंड में। अब जैसे 1s या 2s की बात करूं तो यहां पर दो इलेक्ट्रॉन्स फिट हो सकते हैं तो 2n एनर्जी लेवल्स होंगे, अगर मैं 2p की बात करूं तो 2p में 6 इलेक्ट्रॉन्स फिट हो सकते हैं तो 6n एनर्जी लेवल्स होंगे, इज दैट वेरी वेरी क्लियर। चलो अगर बेटा समझ में आ रहा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। अब हम बात करते हैं
सेमीकंडक्टर्स क्या हैं और सेमीकंडक्टर्स में बैंड्स कैसे बनते हैं। देखो बेसिक रूल कहता है जिनकी कंडक्टिविटी अच्छी वो कंडक्टर्स, जिनकी कंडक्टिविटी खराब वो इंसुलेटर्स, और जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में वो सेमीकंडक्टर्स। ये बेसिक अगर आप क्लास सेवेंथ एट्थ के बच्चे से भी पूछोगे तो वो भी आपको बताएगा। तो अब इलेवेंथ ट्वेल्थ में इसमें टेक्निकलिटी क्या है, तो वही टेक्निकलिटी अब हम समझना चाह रहे हैं, राइट, और वही अब अगले पांच दस मिनट में आप समझोगे। तो सेमीकंडक्टर समझाने के लिए सिलिकन एंड जर्मेनियम आर टू वेरी पॉपुलर सेमीकंडक्टर। सिलिकन का एटॉमिक नंबर होता है 14, तो मैं 14 की बात करता हूं। अगर मैं 14 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p2, 2 to the 4, 10, 12, 14, यस दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिएगा वही लॉजिक जो हमने बेसिक सॉलिड के लिए लगाया था अब हम सेमीकंडक्टर के लिए लगाएंगे। सबसे पहली चीज हमें पहचानना है आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सी है, भाई 3 तक जा रहा है तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट, इज दैट वेरी वेरी क्लियर, ये चीज समझ में आ रही है सबको। अब दूसरी चीज हाउ मेनी एनर्जी लेवल्स आर पॉसिबल, नाउ दिस इज अ वेरी कॉन्सेप्चुअल, हाउ मेनी एनर्जी लेवल्स आर पॉसिबल। पहले हमें यह देखना है कि जब दो सिलिकन मिलेंगे तो कितने एनर्जी लेवल्स पॉसिबल हैं। तो देखो बेटा S में मैक्सिमम 2 बन सकते हैं और P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, राइट, तो टोटल कितना बन सकता है, हाउ मेनी एनर्जी लेवल्स आर पॉसिबल, 2S के बन सकते हैं और 6P के बन सकते हैं, तो टोटल 8 एनर्जी लेवल्स, और एक एनर्जी लेवल कितने में डिवाइडेड था, N में, तो कितने एनर्जी लेवल्स पॉसिबल हैं, 8N। ये जिसको समझ में आ गया उसको एनर्जी बैंड सब समझ में आ जाता है, ठीक, S के 2, P के 6, टोटल 8N, इतने बैंड्स पॉसिबल हैं, राइट। अब क्वेश्चन ये है हाउ मेनी आर फिल्ड, ये तो पॉसिबल है, हाउ मेनी आर फिल्ड, भरे कितने हैं आप बताओ, 2 इसके भरे हैं, 2 इसके भरे हैं, तो टोटल भरे कितने हैं, केवल 4N भरे हैं, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। देखिए वापस से अपने क्वेश्चन पे जाते हैं, इस डायग्राम पे देखिए 3s में पॉसिबल कितने हैं, यहां देखो 3s में पॉसिबल कितने हैं, पॉसिबल हैं यहां पर 2, राइट, 3s में 2 पॉसिबल है, राइट, 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ना, तो 2 पॉसिबल है, लेकिन आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, तो भरा कितना है, 1, राइट, तो जो आउटर मोस्ट शेल आपकी होती है ना बेटा उसमें पार्शियली फिल्ड होता है और पार्शियली खाली होता है, जो फिल्ड होता है वो बनाता है वैलेंस बैंड और जो खाली होता है वो बनाता है कंडक्शन बैंड, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मली कहां रहेंगे, वैलेंस बैंड में, भरी जगह रहेंगे, ठीक, और फ्री कब होंगे, जब पहुंचेंगे कंडक्शन बैंड में, और वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच की जो दूरी है इसी को हम बोलते हैं एनर्जी गैप, या कई बार इसको हम फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं, राइट, तो कंडक्टर्स में ये होता ही नहीं है, इंसुलेटर्स में ये बहुत ज्यादा होता है और सेमीकंडक्टर में ये बैंड बहुत कम होता है, मतलब हमें बहुत कम एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक पहुंचाने में, और जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है तो हम कहते हैं मेरा मटेरियल इज अ गुड कंडक्टर, बात समझ में आई, ऐसे काम करता है। अब यही चीज हम सेमीकंडक्टर में विजुअलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट, तो एनर्जी लेवल कितने भरे हुए, 4N, तो इसके कॉन्फ़िगरेशन में डायग्राम में मैं आपको सिर्फ ये वाला दिखा रहा हूं और ये वाला दिखा रहा हूं, ठीक, केवल 2 दिखा रहा हूं क्योंकि बाकी तो मुझे मालूम है भरे हैं, राइट, जैसे पहले दिखाया था वैसे ही बनेगा, मैं केवल 3s2 और 3p6 आपको दिखाता हूं, लेट्स विजुअलाइज कैसा होगा, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सबसे पहले 3s की बात करें तो देखिए कैसे बन रहा है ये समझना जरूरी है, 3s पहले तो ठीक रहेगा उसके बाद बैंड बना देगा, राइट, फाइन, ऐसे ही 3p
पहले तो सब कुछ ओके है, उसके बाद बैंड बनाना शुरू। ठीक, अब देखो 3p में वो इलेक्ट्रॉन्स जिनकी एनर्जी बहुत कम है, ये वाली, हो सकता है इनकी एनर्जी इतनी कम हो जाए कि वो 3s के उन इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिल जाएं जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। नहीं हो सकता, 3p में जो इलेक्ट्रॉन्स नीचे हैं और 3s में जो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर वाली एनर्जी के हैं वो मिलने लगेंगे। क्यों? क्योंकि और बड़ा लैटिस बनता जा रहा है, एक के बाद एक और एटम आते जा रहे हैं। तो ये वाला जो रीजन है और ये वाला जो रीजन है, ये ओवरलैप करना शुरू करेगा। जहां से ये ओवरलैपिंग शुरू होगी वहीं से मैं बोलूंगा कि क्रिस्टल फॉर्मेशन शुरू हो गया। अब समझो, जब 3p के लोअर एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन 3s के अपर एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन से मिले तो बेसिक टेंडेंसी क्या है? हमें तो स्टेबलाइज होना है, हमें तो मिनिमम एनर्जी में रहना है। तो क्या होगा? कुछ ऐसा बैंड होगा, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो परमानेंटली 3s में आ जाएंगे, कंबाइन हो गए, 3s वाले बैंड में आ गए और कुछ 3p में चले जाएंगे। तो मेरा अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से चेंज होगा, मैं आपको दिखाता हूं। दिस इज हाउ, इससे पहले यहां बना के दिखा देता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये 3s वाले हैं और ये 3p वाले हैं, ये कुछ मिले आपस में, ये आपस में कुछ मिले, ठीक। कुछ जो नहीं मिल पाए थे ये इधर चले गए और यहां वाला ये ऐसे चला गया, ये ऐसे चला गया, ये ऐसे चला गया, यहां से ये लोग मिलना शुरू हुए थे। तो ये वाला जो बैंड बना बेटा, ये बन गया तुम्हारा वैलेंस बैंड। ये स्टेबल इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इस यहां पे जहां पर ये सब मिल रहे थे वहां के वो इलेक्ट्रॉन्स थे जो स्टेबल स्टेट में आ गए और ये बना दिया इसने कंडक्शन बैंड। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। इसी को हमने डायग्राम से दिखाया हुआ है, आप ये देख सकते हैं, ये तुम्हारा कंडक्शन बैंड बना दिया, ये तुम्हारा वैलेंस बैंड बना दिया, राइट? क्लियर है? वेरी वेरी इजी। 2p है तो कितने स्टेट होंगे? 6n। लेकिन 3p में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 3p2। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2n। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? 2s। स्टेट कितनी है? 2n। और भरा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2n। तो देखो दो लेवल्स होते हैं, एक अवेलेबल और एक फिल्ड। आई होप सबको ये बात समझ में आ गई। इसी के बेसिस पर हम ऐसे क्लासिफाई करते हैं, अगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में बहुत ज्यादा गैप है, इतनी ज्यादा एनर्जी है कि हम रूम टेम्परेचर पे वैलेंस से कंडक्शन जा ही नहीं सकते, या कितनी भी एनर्जी दें जा ही नहीं सकते, तो बनते हैं इंसुलेटर्स। अगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड हमेशा ओवरलैप्ड है, ऐसा नहीं हो सकता क्या? ऐसा, ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है और ये हमेशा ओवरलैप कर रहे हैं। अगर ओवरलैप कर रहे हैं बेटा तो वैलेंस बैंड में तो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स हैं और वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड से ओवरलैप कर गया, तो जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स थे वो कंडक्शन बैंड में भी तो अवेलेबल हुए। तो कंडक्टर्स इसीलिए गुड कंडक्टर होते हैं क्योंकि वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कंडक्शन के लिए अवेलेबल रहते हैं, क्योंकि वो भी कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं और वो कंडक्शन बैंड में इसलिए आते हैं क्योंकि वैलेंस और कंडक्शन बैंड ओवरलैप करता है, राइट? तो दिस वॉज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। यहां से अब हम इतना समझ गए हैं कि सेमीकंडक्टर्स ऐसे मटीरियल हैं जिनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स के बीच में है और वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड जाने के लिए एवरेज एनर्जी चाहिए जो कि हम उसको दे सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में वील बी स्टडिंग सेमीकंडक्टर्स इन डिटेल, क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे कंडक्टिविटी इंक्रीज करते हैं। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। Stay super healthy and we'll catch up very soon with another super interesting lecture. Thank you.